सैमसंग गैलेक्सी M52 5G फाइनली इंडिया में लॉन्च हो गया है। इससे पहले ये पोलैंड में लॉन्च हुआ था और जिस दिन लॉन्च हुआ था उस दिन ही मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की थी। प्राइस मैंने बताई थी कि अबाउट 32,000 के आसपास 1750 पोलैंडी करेंसी थी। उसको इंडिया में कन्वर्ट करते तो अबाउट 31,000 के आसपास इसकी प्राइस बैठती थी 6 GB रैम और 128 GB के बेस वेरियंट की। हालांकि बेस वेरियंट तो इंडिया के अंदर भी 6 GB रैम वाला ही लॉन्च हुआ है और 128 GB इंटरनल मेमोरी मिलती है, लेकिन जो प्राइस है वो यहाँ पर 29,000 रखी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि 29,999 यानी कि अबाउट 30,000 ही प्राइस इसकी रखी गई है। लेकिन लेकिन दिवाली का जो ऑफर्स हैं, दिवाली की जो सेल है Amazon.com पर, उसमें ये आपको फ्लैट 3,000 रुपीज़ के डिस्काउंट के साथ में अवेलेबल होगा, यानी कि आप 27,000 में बाय कर सकते हैं इस सैमसंग गैलेक्सी M52 5G को। आगे जो स्पेक्स वगैरह हैं वो सब आप जानते ही हैं, मैं फिर भी एक बार क्विक रिविजन कर देता हूँ, क्योंकि सारे स्पेक्स जो मैंने उस वीडियो में बताए थे वो लगभग सेम टू सेम ही देखने के लिए मिले हैं। इस क्विक स्पेक्स बताने के बाद में आपसे अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना जो ओपिनियन है, उसको शेयर करूंगा कि क्या ये फ़ोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है एम के सिंह, आप देख रहे हैं टेक्निकल एम के सिंह यूट्यूब चैनल। इस साल के एंड तक हमने 10K सब्सक्राइबर्स का टारगेट रखा है, आई होप कि आप लोग कंप्लीट करवा दोगे। सबसे पहली चीज़ जो हमें देखने के लिए मिली है वो ट्रिपल कैमरा, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। 64 MP का प्राइमरी कैमरा है और 12 MP का अल्ट्रा वाइड है और जो 5 MP का है वो मैक्रो सेंसर मिलता है। डेप्थ सेंसर नहीं मिलता क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही डेप्थ सेंसिंग आजकल कर दी जाती है। पोर्ट्रेट शॉट जितने भी हैं सब सॉफ्टवेयर की मदद से ही लिए जाते हैं, तो ऐसे में कोई ज़रूरत थी भी नहीं उस 5 MP के या 2 MP के एक डेप्थ सेंसर को ऐड करने की। तो कैमरा डिपार्टमेंट अगर हम बात करते हैं तो प्राइस के हिसाब से ओवरऑल ठीक है, और जो बेस्ट चीज़ मुझे लगी वो 12 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, क्योंकि आजकल कोई भी कंपनी 12 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा प्रोवाइड नहीं कर रही है, सब 8 MP पर ही टिकी हुई हैं और 5 MP का मैक्रो सेंसर है। तो ये अच्छी बात है कि अब मैक्रो पिक्चर जो ले पाएंगे उसमें भी आपको क्वालिटी देखने के लिए मिलेगी। 32 MP की सेल्फी आपको यहाँ पर अवेलेबल है और पंच होल कैमरा मिला है, पंच होल कैमरा डिज़ाइन है। 6.67 इंच की सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलती है। तो अब जाहिर सी बात है कि सुपर एमोलेड है तो क्वालिटी काफ़ी गजब की होने वाली है, बट फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले नहीं मिलता है, वो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर अवेलेबल किया गया है। रीज़न आप जानते हैं, ए सीरीज़ को एम सीरीज़ से अलग रखने के लिए ही ऐसा किया जाता है। और यहाँ पर आपको हालांकि जो UI है वो फुल फ्लैश्ड UI देखने के लिए मिला है, 1 UI 3.1। ऐसे में आपको UI से कोई भी शिकायत नहीं होगी, सॉफ्टवेयर काफ़ी मस्त सा मक्खर सा चलने वाला है और एंड्रॉयड 11 पर ही ये लॉन्च हुआ है। 5000 mAh की बैटरी है और साथ में 25 W का चार्जर का सपोर्ट है। तो M52 5G के अंदर आपको 25 W का चार्जर में भी शायद बॉक्स में देखने के लिए मिल सकता है, पर चार्जिंग का सपोर्ट तो 25 W का दिया ही गया है। अब बताती है प्रोसेसर की, तो स्नैपड्रैगन 778G जाहिर सी बात है कि इंडिया में इसी प्रोसेसर पर ये आने वाला था और पोलैंड में भी इसी प्रोसेसर पर ये लॉन्च हुआ है। स्नैपड्रैगन 778G 6 nm पर फैब्रिकेट है और इसके अंदर कॉर्टेक्स A78 की कोर्स हैं जो स्नैपड्रैगन 888 के अंदर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे में ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर देती हैं आपके स्मार्टफोन को, कि आपको A78 की कोर्स मिल रही हैं जो कि फ्लैगशिप कोर्स हैं इस समय। इससे ऊपर की कोर्स अभी भी किसी प्रोसेसर में नहीं आई हैं और एड्रिनो का 642L GPU है, एक फ्लैगशिप लेवल का GPU हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि फ्लैगशिप लेवल से थोड़ी सी ही कम परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिलेगी। इवन डायमेंसिटी 1200 से आसपास ही परफॉर्म करता है स्नैपड्रैगन 778G, तो मीडियाटेक का जो फ्लैगशिप है उसके तो बराबर ही परफॉर्म कर रहा है, पर स्नैपड्रैगन का जो फ्लैगशिप है उससे थोड़ा सा डाउन काम करेगा ये। लेकिन गेमिंग, डेली लाइफ आपकी बिल्कुल कोई भी बिना किसी प्रॉब्लम के चलने वाली है, आपको स्मूथ एक्सपीरियंस इसके अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। अब बात आती है प्राइसिंग की, ऐसे में अभी स्नैपड्रैगन 778G पर IQ Z5 लॉन्च हुआ है इंडिया के अंदर, वो भी 5G फ़ोन है और ये भी 5G फ़ोन है। वो 23990 का हुआ, वो 24,000 का, बट उसके अंदर IPS LCD डिस्प्ले है, तो यही चीज़ एक्स्ट्रा है। और वहाँ पर 8 MP है अल्ट्रा वाइड और यहाँ पर आपको 12 MP मिलता है। वहाँ 60 MP सेल्फी है और यहाँ पर 32 MP सेल्फी है। तो IQ Z5 इसे कई टक्कर देता है, लेकिन वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर निगेटिव पॉइंट्स में हैं इसके कंपेरिजन में। आप यहाँ पर अगर सेल में इसको बाय करते हैं तो अबाउट 27,000 का आपको पड़ जाएगा ये, और 3,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करेंगे आप IQ Z5 के कंपेरिजन में, बट बहुत कुछ आपको यहाँ पर अच्छा देखने के लिए मिलने वाला है। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा
बाकी जो मेरे ओपिनियन वो यही है कि फ़ोन में कोई बुराई नहीं है। सैमसंग की ब्रांड वैल्यू को देखते हुए वो अपने फ़ोन के जो प्राइस है 1-2000 रुपीज़ तो एक्स्ट्रा रखते ही हैं। तो ऐसे में आप लोगों को भी इसके साथ जीने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि और लोग डाल चुके हैं तो आपको भी डालनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। बट फोन स्पेक्स वाइज काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी पसंद आया। बाकी आप बताना आपका क्या है ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में। नीचे आपको अमेज़ोन का लिंक भी मिल जाएगा और क्या क्या डील्स चल रही हैं अमेज़ोन पर बेस्ट फिलहाल जो सेल आ रही है उसके अंदर, उसकी वीडियो भी आपको कल मॉर्निंग में 12 बजे से पहले पहले देखने के लिए मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अच्छी वीडियोस पाने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।